कान्हा, तुमने ही तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मैया को ना बताऊं। फिर तुमने स्वयं ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया? दाऊ के मन में यही शंका थी बाबा। उन्हें भी मैंने यही कहा था कि मैया को कभी ना कभी तो मेरा रहस्य पता चलना था। किसी और से जानकारी मिलती तो उन्हें अधिक दुख होता, इसीलिए मुझे लगा अच्छा यही है कि इन्हें मेरा सत्य से मुझसे पता चले। वैसे भी मैया से भेद छुपा के मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा। इतने वर्षों में मैं जब जब मैया से कुछ भी छुपाता था तब तक मेरी हृदय को भी पीड़ा होती थी। मैं समझ सकता हूँ। क्या सोच रहे हो? कछुना? क्या कछुना? पता भी है जो सारे बालक कल रात से भूखे हैं। दो खाना। लगता है सब ठीक है। क्या ठीक है? कछु ठीक ना है, बहुत कठिन है, पर मैं प्रयास कर रही हूं कि स्वयं को समझा पाऊं कि मेरा लल्ला मेरे प्रभु श्रीहरि का अवतार है। ठहर, तू कहां जा रहा है बिना बताए? पूरे संसार के लिए तू दिव्य होगो, मेरे लिए तू केवल मेरा लल्ला है, समझ आई? अब आके कछु खा ले। आ, ले खा। पहले आप खाओ मैया। तू खा पहले, मैंने कही ना तू अब भी मेरा लल्ला ही है जो कल रात से भूखा है, इसीलिए अब चुपचाप खा और जे मत ही सोचियो कि मैया को सत्य का पता चल गया है तो कछु कहेगी ना। तेरी मैया हूं कान्हा, कस के डांटूंगी और आवश्यकता पड़ी ना तो डांटूंगी भी और दंड भी दूंगी, और फिर भी बात ना मानी तो स्मरण है ना ओखल जिते यहां भी है। आपकी डांट फटकार और दंड में फूलों से भी अधिक मिठास है भैया। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। मैया छोटी सी अनुमति चाहिए। फिर से वन जाना है? फिर से कोई लीला करनी है क्या? हाँ वो। बस बस, अधिक बहाने बनाने की आवश्यकता ना है। ठीक है चला जा, पर वन के अधिक भीतर ना जाना, समझ आई? चलो मिल गई अनुमति। राहुल आप ना चलोगे हमारे साथ खेलने? नहीं तुम जाओ, मुझे पौधा लगाना है। पर क्यों दाऊ? क्योंकि माँ ने कहा है आज मेरा।
पौधे लगाने से फल मिलते हैं। पर पौधा तो लगो, फल लाए। इतने शीघ्र फल नहीं आते कान्हा, कम से कम एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो एक वर्ष के बाद इसी पौधे के नीचे बैठ के फल खाएंगे। आज के विशेष दिन को स्मरण रखना सकाओ। सब स्मरण रखना, बस अपने दाऊ का जन्मदिन ही भूल जाना तुम। वैसे आज के दिन की एक और विशेष बात है, आज माँ को बनाने की आवश्यकता भी ना पड़ी, उसके बिना ही वन जाने की अनुमति मिल गई। जय हुई ना बात। अब चलो। बलराम, कहाँ थे तुम? अच्छा, तुम्हें पता है महर्षि गर्ग ने मेरी विनती स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जन्मदिन के विशेष अवसर पर तुम्हारे लिए विशेष पूजा करेंगे वो। जो किसी को स्मरण ही ना रहे वो कैसा विशेष अवसर? क्या हुआ, किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी? सखा बोले तो कोई बात नहीं, पर छोटा भाई भूल गया माँ। क्या, ये कैसे संभव है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। पूरे संसार की हर छोटी से छोटी बात जिसे ध्यान रहती है वो अपने बड़े भाई का जन्मदिन कैसे भूल सकता है? सुनो सुनो सुनो, ये तो अच्छा करो कि तुम सबने से किसी ने भी दाऊ को पता ना चलने दिया कि उनका जन्मदिन हमें स्मरण है। पर अब हमें उनके लिए कुछ ढूंढना होगा। हाँ, हम सबकी ओर से कोई ना कोई विशेष उपहार। तो फिर गौवंश का ध्यान कौन रखेगा? और कौन? तुम। गैया मैया की तो समस्या ना है, पर जब बछड़े मेरे वश में ना आते इन्हें तो कान्हा ही संभालेगा। अच्छा ठीक है, पर तुम सब जाओ और कुछ अनोखा ढूंढ कर लाओ। गए सब। अब इनकी अनुपस्थिति में शांति से अघासुर का अभिमान भंग करूंगा। इसे क्या लगता है, ये मुझे अपने जाल में फंसा लेगा? इसके मित्रों को मृत्यु के जाल में ऐसे फंसाऊंगा मैं कि ये रक्षा की भिक्षा मांगेगा मुझसे। क्या ले चलूं बलराम के लिए? जो हो बहुत विशेष। जेफल उसे बहुत प्रिय है। पत्तरी के रत्न, भयभीत मत हो वसंता, ये तो केवल एक कंदरा है। अजगर हो तो ऐसे मुंह खोल के थोड़ी ना बैठे रहते हो। और नहीं तो क्या, पर एक बात तो है, आज तो कैसा कछू ना देखो। अद्भुत, चलो भीतर चल के देखते हैं, क्या पता बलराम के लिए कुछ अनोखा कुछ अद्भुत मिल जाए। जो कंदरा बाहर से इतनी सुंदर लग रही है
उसके भीतर कछु ना कछु सुंदर मिलेगो ही। तो सस्ते में असगर हुआ था तो कान्हा है ना बचा के बाहर निकाल लेंगो, जैसे स्वयं बकासुर के देह से बाहर आया था। अभी अभी आके खोली इसने। अरे वसंता, तुझे तो हर बात पे कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। इसे छोड़कर हम सब भीतर चलते हैं। चलो चलो। अरे मुझे अकेला सुन के कहाँ जा रहे हो? बहुत देर हो गई मुझे अकेला देखकर भी। आगा सुनने अभी तक आक्रमण नहीं किया। इसने तो उल्टी चाल चल ली। मुझे आकार करने के स्थान पर मेरे सखाओं को ही अपना आहार बना लिया। उसके सखाओं को आहार बना लिया है मैंने। अब उस विष्णु अवतार को इनकी रक्षा करने आना ही पड़ेगा और तब मैं उसके प्राण लेकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। किसके लिए पका रही हो? कान्हा और उसके सखाओं के लिए। अभी तक जैसे वापस ना आए हैं, अब मैं ही जाऊंगी, जाके दे आऊंगी। उन्हें भूख लगी आई होगी ना। यशोदा, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए मुझसे क्रोधित हो ना? ना, आपके स्थान पे मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। और भगवान की इच्छा से बड़ा तो और कछु ना होता है। पर अब मुझे जाना होगा, जिस सारे बालकों ने रात से केवल फल खाया हुआ है। ध्वनि गूंज रही है, ये कंदरा ही है। चलो और भीतर चल के देखते हैं। इन बालकों ने मेरा कार्य सरल कर दिया, स्वयं ही कृष्ण को खींचकर मुझ तक ले आए। दिखाई नहीं दे रहे। ये यहाँ खड़ा क्यों है? भीतर आ बालक, ताकि तुझे और तेरे सखाओं को एक साथ बचा लूं मैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। संता,
ये क्या हो रहा है मुझे? कैसी माया है ये? नारायण नारायण। मैंने इतने पाप किए हैं प्रभु, फिर भी आपने स्वयं मुझे मुक्ति प्रदान की, ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों मिला प्रभु? ये तो होना ही था गासुर, यही था विधि का विधान। पूर्व जन्म में तुम राक्षस संघ चुन के पुत्र थे, युवा थे, बाघ बलवान और कामदेव के समान आकर्षण होने के कारण बहुत गर्व हो गया था। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी और बलशाली ऋषि उसी नदी में स्नान कर रहे थे, जिसके स्वच्छ जल में स्नान करके तुम अपनी कांति को और भी अधिक बढ़ाने आए थे। ये क्या देख लिया मैंने, भला कोई इतना वक्र भी हो सकता है? एक रूप वृद्ध, इसी क्षण मेरी दृष्टि से दूर हो जा। किसी भयानक श्राप की भांति कहीं तेरी इस देह की छाया मेरे सुंदर स्वरूप पर ना पड़ जाए। भाग जा यहां से। अभी भान में आकर तुमने ऋषि अक्षावर का उपहास उड़ाया, उन्हें तुम्हारे व्यवहार पर बहुत क्रोध आया और इसीलिए तुम्हें विनय का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। तुझे अपने अभिमान का पश्चाताप न हुआ तो इस ऋषि का तपोबल व्यर्थ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ मूर्ख, तू इसी क्षण ब्रह्मांड का सबसे क्रूर सर्प बन जाएगा, क्रूर सर्प बन जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी त्वचा क्षमा ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया ऋषिवर। मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं मैं, किंतु अब मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है ऋषिवर। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं मैं। आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा किया अघासुर, पर मैं चाह कर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर तुम्हें वरदान अवश्य दे सकता हूं, तुम्हें अपने श्राप युक्त जीवन से मुक्ति स्वयं श्री विष्णु के कर कमलों से मिलेगी, विष्णु के कर कमलों से मिलेगी। आज मैंने उनके मां ऋषि के सी वरदान को पूरा किया है। अब तुम बहुत साख के चक्र से मुक्त हो जाओगे।
कान्हा? हम तो मरने वाले थे ना कान्हा। मुझे सांस लेने में कितनी कठिनाई हो रही थी। मुझे तो लगा था जीवन लीला पूरी हो गई हमारी। पर कान्हा, तूने हमें बचाया कैसे? हाँ कान्हा, बताओ ना, तुमने हमें बचाया कैसे? चमत्कारी और सदी से। जानते हो ना कितना बड़ा वैद हूँ मैं। मैंने तो इन सबसे पहले ही कही थी कि हमारे साथ कान्हा है तो भय काई का। बस ऐसे ही प्रभु की कोई ना कोई लीला देखने का अवसर मिलता रहे। नारायण नारायण। तुम सबको भी मैया के स्वर सुनाई दे रहा है क्या? ना तो। अरे ध्यान से सुनो ना। जाने कहां होगो कान्हा। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए हमें उन तक पहुंचना होगा। यदि उन्होंने इस आकाश तुर्की मृत्यु देव को देख लिया तो वैरते भयभीत हो जाएंगे। चलो चलो। मैया, अरे क्या हो गो, ऐसे सब हाँप रहे हो और दौड़ के क्यों आ रहे हो? तुम सब किसी समस्या में तो ना पड़ गए? समस्या नहीं काकी, बहुत बड़ा संकट आ गया था। बोलने दे उसे। कैसा संकट रे? वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम दाऊ को क्या उपहार दे। आज उनका जन्मदिन है ना, तो फिर से कछु छुपा रहे है ना कान्हा? सत्य बता। अरे ना मैया, सखाओ हमें दाऊ को देने के लिए जो इकट्ठा करो है सब दिखा दो मैया को। देखो काकी, जे मैंने चुना है। काकी जे मेरा उपहार है, कैसा है? पर आप यहाँ क्यों आई हो मैया? अरे तुझे और तेरी टोली को भोजन खिलाने के लिए। ये ले। आहा हा, इतनी बड़ी विजय का उत्सव तो ऐसे पकवान खा के मनाना चाहिए। कैसा उत्सव कान्हा? तूने फिर से कछु करो है क्या? मैया कही ना मैंने, दाऊ का जन्मदिन है आज। अब आप जाओ, हम सब बालक अपनी तरफ से बनाएंगे उत्सव। हाँ हाँ जाती हूँ। क्या कही तूने कान्हा? एक बात तो बता, बलराम के बिना तुम सब उसका जन्म उत्सव कैसे मनाओगे? शीघ्रता से सब आश्रम आओ, चलो फिर महर्षि गर्ग के साथ मिलकर तेरे दाऊ का जन्म उत्सव मनाएंगे। वो आज तेरे दाऊ के लिए विशेष पूजा भी करने वाले हैं। अब सब शीघ्रता से आओ, समझ आई? मेरा जन्मदिन मने ना मने किसी को कोई अंतर ही नहीं पड़ता, सब वन में आनंद ले रहे होंगे।
बलराम। दुखी मत हो पुत्र, तुम्हारे सखा आएंगे ना तो मैं उन्हें स्मरण करा दूंगी, ठीक है? नहीं माँ, छोटा भाई होने के नाते कान्हा को स्वयं स्मरण रखना चाहिए था। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। देव ऋषि, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, ऐसा क्या करके आ रहे हैं आप? करता तो वही है ब्रह्मदेव, हम तो बस उनकी लीला के साक्षी बन सकते हैं। आज निकट से उनकी एक और अद्भुत लीला के दर्शन के आनंद आ गए, एक साथ दोनों के दर्शन हो गए। दोनों के दर्शन? प्रभु श्री नारायण के और उनके पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण अघासुर की मृत देह को चीर कर खड़े थे और प्रभु श्री नारायण विस्तृत आकाश में अपने अंतहीन स्वरूप में व्याप्त थे। अद्भुत, मैं भी उनकी लीला का निकट से अनुभव करना चाहता हूँ। कहाँ होंगे वो इस समय? वहीं वृंदावन के वन क्षेत्र में अपने सखाओं के साथ रमे हुए होंगे प्रभु श्री रमन गोपाल। पर सत्य तो ये है ब्रह्मदेव कि वो खेल भी प्रभु की लीला ही तो है। ये क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? उपहार तैयार होगा सबके बलराम के लिए। मेरा भी होगा। कान्हा अब तो खा ले, काकी के दिए पकवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मेरे पेट के मूषक महाराज भी। अवश्य, पर पहले उपहार समेट के रख दो। मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए ना। ये कैसे संभव है? बस 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 बस, बहुत हो गो किल, चलो भोजन करे, कई सुबह के पेट का मूषक बाहर आ गो तो। क्या ये सच में प्रभु ही है? नहीं नहीं, ये असंभव है, ये प्रभु नहीं हो सकते। जो मिट्टी में खेलता हो, अपने सखाओं का झूठा खाता हो, साधारण बालक भी खेल खेल में जिस पर अपने हाथों और पांवों से प्रहार करते हो, जो स्वयं मिट्टी में लोटपोट होकर आनंद लेता हो, वो विष्णु अवतार कैसे हो सकता है? चरित्र के इसी रूप के लिए तो प्रभु ने अवतार लिया है ब्रह्मदेव। लगता है पृथ्वी पर पग धरते ही आप भी माया में पड़ गए ब्रह्मदेव। मैं ब्रह्मा हूँ देव ऋषि, माया मुझे नहीं बांध सकती। पर सत्य आंखों के सामने है, फिर भी आप। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ब्रह्मदेव
कि आपने सच में प्रभु को नहीं पहचाना। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है देवऋषि कि आप तो प्रभु के परम भक्त होकर भी प्रभु को पहचान नहीं पाए। भक्ति में ऐसे रम गए कि एक साधारण बालक में भी प्रभु को देखने लगे। तनिक विचार कीजिए देवऋषि, ये बालक प्रभु श्री नारायण का अवतार कैसे हो सकता है? आप वही भूल कर रहे हैं जगत पिता जो महर्षि दुर्वासा ने की थी। उन्हें भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। देवऋषि, ना मुझे भ्रम हुआ है ना भूल। फिर भी यदि आपको इस बालक पर विश्वास है तो क्यों ना इसकी परीक्षा ले ली जाए। यदि ये बालक सत्य में परम प्रभु श्री नारायण का अवतार है तो अपने प्रिय बछड़ों को लुप्त होने से तो बचा ही लेगा, है ना देवऋषि? चलते हैं। नहीं, चिंता मत करो, शांति से भोजन समाप्त कर लो पहले, तब तक मैं खोज के लाता हूँ सबको। असुर के बाद अभी तक कोई और असुर भी नहीं भेजा मामा ने, तो फिर अचानक सब ऐसे लुप कैसे हो गए? कान्हा, तुझे भी ना मिलो। ना। देखा देवऋषि, इस बालक की चिंता ही बता रही है कि ये भगवान नहीं। सब तो समझ देंगे, कहेंगे कि हम अपना दायित्व ना निभा पाए। तुम सब दुखी मत हो, मैं दोष अपने ऊपर ले लूंगा। कान्हा को और तुम सबको कोई ना डांटेगो। मैं बड़ा हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। बड़ा तो मैं भी हूँ उज्जवल। मेरे उत्तर में तुम सब चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बुझू मैं, बस तुम सब शांत हो जाओ। यदि ये भगवान होता तो अब तक तो अपने बछड़ों का आभास हो गया होता इसे। ब्रह्मदेव, मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अवश्य लेनी चाहिए देवऋषि। देखिए, इस बालक के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं। समाधान चिंता करने से ना चित को शांत रखने से मिलता है। बैठो, मैं सिखाता हूँ। बोलो ओम। ओम। अरे वो जो ऐसे ना हर अक्षर को अलग अलग खींच के लंबा करके बोलो। बंद करके जाप करो। अब तुम सब जाप करते रहो, मैं बछड़ों को ढूंढ के लाता हूँ।
हो गए। देखिए देव ऋषि, आप इस बालक को दिव्य बता रहे हैं। बछड़े तो छोड़िए, इसे तो अपने प्रिय सखाओं तक की भनक नहीं। ये एक निर्दोष भोला भाला बालक है, बस ये प्रभु श्री नारायण का अवतार नहीं। ब्रह्मदेव आंखें बंद मत कीजिए, जब तक आपकी पलकें झपकेंगी पृथ्वी पर एक वर्ष की लंबी अवधि बीत चुकी होगी। हे प्रभु, हे प्रभु, अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे आप, ये कैसी लीला है आपकी? यशोदा, इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? कान्हा के पास, और कहाँ, उसके लौटने का समय होगा है ना? जय होती है मैया की ममता, न लायो भी ना, उसके पहले ही मैया द्वार पे खड़ी हो जाती। सदैव के जैसे आज भी जे सब गोपियां अपने लल्ला को छोड़कर मेरे काना को ही घेर लेंगी, वो है ही इतना प्यारा। आ गया। इनके लाड़ के चक्कर में मुझे अपने लल्ला से मिलने का अवसर सबसे बाद में ही मिलता है। लल्ला, अभी थकान तो ना हुई? कछु खाया हुआ है कि ऐसे ही फिर पूरे दिन? आज मेरे कान्हा को किसी ने पूछो भी ना, ये कैसे संभव है? सभी श्री कृष्ण को ही तो प्रेम करती हैं, फिर चाहे गोपियां हो या फिर गायें, इसीलिए तो आज इनको श्री कृष्ण के रूप में अपनी संतानों को पाने का सौभाग्य मिला है। नारायण नारायण। इन सब ने तो मेरे कान्हा की ओर दृष्टि उठा के देखो भी ना। कान्हा मेरा लल्ला, तू चिंता मत कर, तेरी मैया तो है ना, मैं तो तुझसे सदैव उतना ही प्रेम करूंगी जैसे आकाश अंतहीन होता है ना, वैसे ही तेरी मैया का प्रेम तेरे लिए अंतहीन है, अथाह है। आप सही कह रही हो मैया,
वैसे एक सत्य ये भी है कि इस संसार की हर मैया की संतान में तू और हर जननी है मेरी मैया। आना छोड़ो, मुझे ऋषिवर के पास जाना है पूजा करने। चले जाना दाऊ, पर ये तो बता दो आज इतना विशेष क्या है कि महर्षि ने आपके लिए पूजा रखी है? मुझे नहीं पता। बताओ ना दाऊ, बोलो ना। संसार के किस कोने में क्या घटना घट रही है तुम्हें अच्छी तरह पता होता है, बस यही नहीं पता कि आज तुम्हारे दाऊ का जन्मदिन है। का जन्मदिन कान्हा को स्मरण ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बातें मनाने की आवश्यकता नहीं है कान्हा, स्मरण होता तो सुबह ही पता ही दे देता। बधाई दे दे तो अभी अचानक से ये उपहार देख के आपको चकित कैसे कर दो? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बलराम। तो ये मेरी ओर से, ये मेरा उपहार। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आया हूँ। अब तो मुझसे क्रोधित ना हो ना दाऊ। अब भी क्रोधित हूँ। ये उपहार नहीं चाहिए थे मुझे, मुझे तो बस सबसे पहले तुमसे ही बधाई लेनी थी, और वो तुम वन जाने से पहले दे सकते थे ना? भूल हो गए दाऊ, छोटा भाई हूँ ना, क्षमा कर दो ना। बोलो ना दाऊ, अपने कान को क्षमा ना करोगे? तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुमसे क्रोधित हुआ था। पर आपको तो पूरा अधिकार है राव, आपका छोटा भाई हूँ मैं और सदैव रहूंगा। पर दाऊ, आपके पौधों में तो अभी तक फल ना है। ओहो, मैंने कहा तो था फलों के लिए एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब चलो, पूजा आरंभ होने वाली है। गौचारण के लिए जानो है कि ना? पिछले वर्ष से ही देख रहा है सब कुछ बदल सा गया है। सभी गोपी काकियां अपने अपने पुत्रों पर कुछ अधिक ध्यान देने लगी है। कान्हा के व्यवहार में भी कुछ तो परिवर्तन है, यहाँ तक कि गायों का व्यवहार भी अपने बछड़ों के लिए पहले से अलग हो गया है। अवश्य ही मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है कान्हा, उससे पूछना होगा। क्या हुआ, इतने निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो? बछड़ों का ध्यान कौन रखेगा? चिंता मत ही करो दाऊ, बछड़ों को ऐसा
और गैया को ओसा रखा है मैंने। नहीं नहीं, हमने, हम सब ने। प्रतिदिन की तरह आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। जे का कर दियो कान्हा, आज फिर तुमने ध्यान ना दियो। फिर से गैया पछड़ों को दूध पिला रही है और प्रतिदिन ऐसे ही होता है। और तू तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? कितनी बार तुझसे कही है बछड़ों को गैयों से दूर रखियो। चल कोई बात ना है, हो जाता है कभी कभी, आगे से ध्यान रखियो। कान्हा तुम्हें क्या लगता है, अपने बड़े भाई को मूर्ख बना सकते हो तुम? छोटी माँ और छोटे बाबा का प्रेम तुम्हारे लिए कम पड़ गया था क्या? जो अन्य सभी का रूप धारण कर दिया तुमने? ना तो ऐसी बात ना है। कुछ नहीं सुनना मुझे, प्रेम के लिए इतने लोभी हो गए हो तुम कि तुमने अपने सखाओं और बछड़ों का हस्ताद ले लिया, उन्हें उनकी माँओं से दूर कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दाऊ, मेरी बात तो सुनो। बोलो क्या सुनाना है सब? तुमने ये सब क्यों किया काना? ब्रह्मा जी के कारण, ब्रह्मा जी के कारण। हाँ दाऊ, उन्हीं के हट के कारण मुझे ये लीला करनी पड़ी और अब इसे पूरी करने में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था, महर्षि घर के आश्रम के निकट। अभी क्षण भर पहले ही तो मैंने इन सबको वहां से लुप्त किया था। जिन्हें आपने क्षण भर पहले लुप्त किया था, पिछले एक वर्ष से वो सब यहीं हैं। एक वर्ष से? आप भूल रहे हैं ब्रह्मदेव, ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के एक वर्ष के समान है। इसीलिए पिछले एक वर्ष से ये सभी बालक और बछड़े यहीं पर हैं, ब्रह्मलोक में। तब फिर वहां कौन है? वही जिन्हें आप पहचानने से भी मना कर रहे हैं, पहचानने से भी मना कर प्रभु श्री नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। ये कैसे संभव है? अर्थात वो सभी सखा जो बछड़ों को चारण करा रहे हैं, वो सभी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, और वो बछड़े जो चारण कर रहे हैं वो सब भी श्री कृष्ण ही हैं। प्रभु इस लीला को पिछले एक वर्ष से अनवरत चला रहे हैं। किंतु ये तो असंभव है देव ऋषि। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब संभव है ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण जानते थे आप क्या कर रहे हैं, वो ये भी जानते थे कि आपका उद्देश्य उनके सखाओं और बछड़ों को हानि पहुंचाना नहीं है, पर एक वर्ष के लिए इन सब का लुप्त हो जाना गोप गोपियों को बहुत दुखी कर देता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को सखाओं और बछड़ों के अनेकानेक रूपों में विभाजित कर लिया और उनके माता पिता के साथ रहने लगे, ताकि सबका जीवन वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। इसका अर्थ है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देव ऋषि, कि मैंने साक्षात प्रभु पर संदेह किया, उनकी शक्तियों पर शंका व्यक्त की, जबकि सत्य तो ये है कि प्रभु के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रभु, अपने अभिमान में आकर मैंने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया,
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर फिर भी आपने सत्य दिखाकर मुझ पर कृपा कर दी। अभी का ब्रह्मदेव, सत्य दिखाना तो अभी शेष है। ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पर इस अंतिम अंतरिक्ष में अनंत ब्रह्मांड है और वो उन सभी के अपने अपने ब्रह्मा हैं। और ये संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर समाई भी आए। प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड हो सकता है। मुझे ब्रह्म पद त्यागना होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हटा दीजिए मुझे इस पद से। आपकी चरणों की धूल बनकर रहना, ब्रह्मा बनकर जीने से कहीं अधिक दिव्य है। बल्कि आपके सखाओं और आपकी प्रिय गायों की चरणों की धूल बनना ब्रह्मा बनने से कहीं अधिक भाग्यशाली है। नहीं ब्रह्मदेव, आपको अपनी भूल का भास हो गया है, यही पर्याप्त है। अपने अभिमान और परीक्षा लेने की प्रक्रिया में मैं यही भूल गया कि मैंने निर्दोष संतानों को उनके माता पिता से दूर कर दिया। अब तो आपको सत्य पता चल गया प्रजापति, अब कृपया ब्रह्मलोक जाकर मेरे सखा बच्चों को मुक्त कर दीजिए और अपना पदभार फिर से ग्रहण कीजिए, क्योंकि भूल करना उचित नहीं होता। अनुचित तो तब होता है जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार ना करे, उसे सीख ना लाए। कब आग लग गई थी? हाँ, मैं भी बैठे बैठे ही सो गई। वो तेरी नींद आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे एक वर्ष तक सोया था। तुझे बड़ी बड़ी बातें बनाने की अतिरिक्त और आ तो ही क्या है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बलराम। उपहार कहाँ रख दियो? उन सबके उपहार तो मुझे पहले ही मिल गए थे। पहले? कब? एक वर्ष पहले। अरे आप बातें ही करते रहोगे कि घर भी चलोगे? हाँ, शीघ्र चलो। मुझे लग रहा है कि मैं कितने लंबे समय से घर ना गयो। अरे अगासुर की देख आ गई, पंच तत्वों से बनी थी, पंच दांतों में मिल गई। इतनी सी अभी कुछ समय पहले ही तो
कान्हा ने हमारी रक्षा करने के लिए उसका संहार किया था। पिछले एक वर्ष में जो जो हुआ है सभी ने कैसे पता चलेगा कान्हा? मेरी स्मृति इनकी स्मृति याद आऊ, मैं जो भी करता हूँ उसमें ये सब तो सम्मिलित होते ही है। जिंजी, कोई बुरा स्वप्न देख लियो क्या? कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा? और कहाँ होगो? गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ वन में भटक रहा है, अभी थोड़े समय में आ जाएगो। इसी मार्ग से आते हैं ना सब? हाँ भाभी। कहाँ रह गो लल्ला? कब से प्रतीक्षा कर रही है तेरी मैया? ऐसा कौन सा सपने देख लिया जीजी जो इतनी विचलित हो गई? यशोदा क्या हुआ? मैंने देखो कि मेरा लल्ला मेरा कान्हा मुझे दूर हो रहे हैं, मुझे भय लग रहा है जीजी, कहीं मेरा कान्हा मुझे छोड़ के ना चला जाए। मैया मैं कहीं ना गयो मैया, यही तो हूँ मैं। कान्हा कान्हा मेरा लल्ला। कहाँ चला गया था तू? हाँ इतना समय क्यों लगा दियो तूने? मेरा हृदय इस कल्पना से ही कांप गया था कि तू कहीं मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। आप बार बार ऐसे घबरा क्यों जाती हूँ मैया? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? मेरा निवास तो सदैव यही रहेगा आपके हृदय में, यही तो है मेरा वास्तविक घर। तो फिर तू वचन दे कि तू सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहेगा, दे वचन। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, यह वचन है मेरा। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। जो मैया ने कहा वो यह शाश्वत सत्य, मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, केवल कुकुल या वृंदावन में नहीं आप सबके घरों में भी। यदि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में देखेंगी तो मैं आपका प्यारा लल्ला लड्डू गोपाल बनके आपके घरों में बस जाऊंगा। यदि स्नेह से मेरा स्मरण करेंगे तो आपका सखा कान्हा बनकर दौड़ा चला आऊंगा,
यदि आप मेरी भक्ति में लीन होना चाहेंगे तो मुरलीधर बनकर आपके सामने खड़ा होऊंगा। यदि आप मुझे अपने घर बुलाएंगे तो माखन चोर बनके चलाऊंगा। यदि आपको रक्षा की आवश्यकता होगी तो गोवर्धनधारी बनके आपकी रक्षा करूंगा। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबके पास ही हूँ। आपकी भक्ति में, आपके भाव में और आप सबके हृदय में।